सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी दिन का टाइम है तो 3 बज गए हैं दिन के, और मैंने बस मुख बार बंद है अभी, और उसके बाद हुई हूँ थोड़ा सा फ्री। तो फिर मैंने बोला कि चलो आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ, और आप लोगों का मुझे ना धन्यवाद करना है सभी का, क्योंकि अभी मैंने कल वीडियो डाली थी। तो एक तो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी और एक फुल वीडियो भी डाली थी। तो वो डाली थी मैंने अपनी भैंस की डिलीवरी की। तो उस वीडियो को देख करके आप लोगों ने मुझे ना बहुत सारी बधाइयाँ दी है, सभी ने, बच्चों ने, बड़ों ने, मेरे भाई बहन जितने भी सभी मतलब वीडियो देखते हैं। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि ये जो हमारी कट्टी है ना भैंस का बच्चा, तो उसकी टांगे मैंने दिखाई थी आपको वीडियो में कि थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी सी लग रही थी मुझे। तो इस पर भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला कि आंटी जी ये ठीक आ जाएगी। मतलब कई कई बच्चों ने तो मुझे ऐसे बोला है कि ये 10-15 दिनों में ठीक आ जाएगी। और सच में मुझे भी लग रहा है कि वो टांगे उसकी ना ठीक होने लग गई है। तो आज तो 6 तारीख है अक्टूबर की, तो 3 तारीख को हुआ था उसका जन्म शाम को 7 बजे। तो मैं अभी देख रही हूँ कि 3-4 दिनों में बहुत बदलाव हो रहा है उसकी टांग में, मतलब थोड़ी थोड़ी सी ढील लगने लग रही है मुझे भी। और मुझे खुशी हुई बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की कमेंट पढ़ करके और आपकी राय जान करके कि आपने मुझे बोला कि ये कमज़ोर है तब है ये ऐसे। तो सच में होगा ऐसे ही कि ये कमज़ोर है ना, तब थी उसकी टांग ऐसी टेढ़ी मेरे ख्याल से। और साथ साथ में मुझे कुछ एक बच्चों के और कुछ भाई बहनों के कमेंट आए हैं कि आप ना अपनी कट्टी का नाम रखना, मतलब उन्होंने नाम बताया है। तो उन्होंने मुझे क्या क्या नाम बताया है, तो एक नाम बताया है मुझे हंसी का एक बेटे ने, और एक बेटे ने बताया है कि गौरी नाम रखना आप इसका आंटी जी, और एक बहन ने बताया है कि गौरी नाम रखना आप इसका। तो गौरी नाम तो हो गए दो, और एक हमारे यहाँ से ही है, तो उनको मैं क्या बोलूँ, बेटा बोलूँ कि भाई बोलूँ, क्या बोलूँ। तो उन्होंने बोला है कि इसका नाम आप चंदा रखना, चंदा या चांदी ऐसे कुछ बोला है उन्होंने भी। और एक बेटे ने बोला है कि आप ना इसका नाम मंगली रखना, क्योंकि इसका जन्म मंगलवार को हुआ है ऐसे बोला है। तो अभी तक तो मैंने कुछ भी नाम नहीं रखा है, तो मतलब 4-5 नाम बता दिए हैं आप लोगों ने मुझे कि ऐसे नाम रखना। तो मैंने अभी तक नाम इसलिए नहीं रखा है कि मैं अब किसका नाम चुनूँ। अब 4-5 लोगों ने नाम बताए हैं मुझे, तो अगर मैं किसी एक का बताया हुआ नाम रखूँगी तो कोई और नाराज़ ना हो जाए कहीं। तो इसलिए मैंने अभी इसका नाम ना कुछ भी नहीं रखा है। तो मैं उसको बोलती हूँ ऐसे ही, कभी तो गुग्गी बोलती हूँ, कभी बोलती हूँ मैं उसको फुटक चिड़ी। फुटक चिड़ी पता क्या होता है, एक छोटी चिड़िया होती है ना, तो हमारे तो यहाँ पे ज़्यादातर होती है गाँव में, हिमाचल मंडी में। तो वो बहुत ही छोटी सी होती है साइज़ की, और वो ऐसे बार बार उड़ती रहती है, एक जगह बैठती है वो, बस ऐसे हिलती रहती है उसके पंख। तो तब हम बोलते हैं उसको फुटक चिड़ी। और वो जो हमारी भैंस की कट्टी है ना, तो वो भी ऐसे बार बार ऐसे हिलती रहती है। तो तब बोलती है मैं उसको कि इतनी छोटी सी है इतने भर की और फुटक चिड़ी की तरह ऐसे हिल रही होती है। तब ऐसे बोलती मैं उसको मजाक मजाक में घुगी और फुटक चिड़ी रखा। ऐसे सभी ने जो भी नाम बताया मुझे, सभी के नाम अच्छे लगे वैसे है। तो तब ये वाला फार्मूला सोचा है हमने, हम यूट्यूब पे डाल देंगे और नाम लिख लेंगे चारों चारों पाँचों जो भी नाम बताया है आप लोगों ने। तो जिस नाम पे ज़्यादा वोट आएंगे ना उसी को ही रख लेंगे हम। तो ये तो हो गई थोड़ी देर आप लोगों से बातचीत। तो अब मुझे थोड़ी सी हल्दी पाउडर बनाना है, हल्दी सुखा करके रखी है घर में ना, उसका पाउडर बनाना है मुझे मिक्सी में। तो घर में हल्दी पाउडर हो गया है ख़त्म, तो फिर मैंने बोला कि चलो अभी पीस लेती हूँ, फिर सुबह जब खाना बनाना होता है सुबह भी तो शाम को भी, तो फिर कौन पीसेगा। तो इसलिए अभी पीस करके रख लूँगी, फिर घास भी काटना है अभी मुझे, और भैंस का बच्चा भी अभी बाहर ही है तो फिर उसको भी ठंड लग जाएगी, तो उसको भी अंदर बांधना है। ये रही यहाँ पे हमारी हल्दी कढ़ाई में, और इसको मैंने थोड़ा सा ना मतलब गैस पे रख करके इसको गर्म किया था थोड़ा सा। हल्दी पाउडर बनके तैयार हो गया है, तो इसको मैं पहले ना यहाँ पे छलनी से छान लूंगी। जो बारीक होगा वो हल्दी बन जाएगी, जो मोटा रह गया होगा उसको फिर से पीस लूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा हल्दी पाउडर ना 5 मिनट में
बनके तैयार हो गया है। और ये अपने घर की हल्दी होती है ना, तो ये प्योर और शुद्ध हल्दी होती है, तो ज़्यादातर हम अपने घर की हल्दी का ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दुकान से बहुत ही कम लाते हैं। तो कभी कभी तो मैं क्या करती हूँ कि जो हमारी बड़ी चक्की है ना, आटा चक्की, तो उसमें मैं इकट्ठा ही पीस लेती हूँ। लेकिन आजकल मैं क्या करती हूँ कि मिक्सी में पीसती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो वो इसलिए पीसती हूँ मैं मिक्सी में, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं बरसात में दलिया वगैरह पीस रही थी चक्की में ना, तो उसमें चूहे घुसे हुए थे अंदर, तो वहाँ पर चूहा कट गया था। तो तब फिर उसके बाद मैं चक्की में हल्दी नहीं पीसती हूँ, तब मैं मिक्सी में ही पीसती हूँ उसके बाद फिर। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने पशुओं के पास। अब मुझे ना ये भैंस का बच्चा अंदर बांध रहा है, ये बैठी है यहाँ पे आराम से, और यहाँ से धूप भी उड़ गई है, ये मना कर रही है कि अंदर नहीं मुझे जाना है। उठो, चलो अंदर जाना, चलो उठ उठ चलो उठ। और यहाँ से धूप उड़ गई है ना, तो छोटे बच्चों को ठंड लग जाती है, इनका ध्यान रखना पड़ता है खुद से। अब इनको क्या पता है कि ठंड है कि नहीं है। ये तो बैठी है यहाँ पे आराम से, क्योंकि यहाँ पे इसकी मम्मा जो है साथ में ना, तब बैठी है ये यहाँ पे आराम से। तो अब जा रही हूँ पशुओं को घास काटने को, जो घास इनको डाला था ना वो इन्होंने खा लिया है। तो अभी बज रहे हैं शाम के पूरे 8, और मैं गई थी ना घास काटने को, तो उस टाइम तो पता नहीं 5 या 5:30 बजे का टाइम होगा शायद। और फिर घास काट करके आई, तो फिर भैंस को भी धुआ, फिर अंधेरा हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी तो मैं खाना बना रही हूँ रसोई में साथ साथ में, पर अभी मुझे वीडियो की एंड करने को टाइम नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला कि चलो वीडियो का एंड कर लेती हूँ पहले, नहीं तो फिर रह जाती है मेरी वीडियो ऐसे ही आधी अधूरी, हर बार तो नहीं पर कभी कभी रह जाती है। और अभी शाम के टाइम ना ठंड हो गई है हमारे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा, तो स्वेटर की जरूरत पड़ने लग गई है अब तो मैंने तो यहाँ पे अभी कान ढक लिए हैं, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाता है आजकल। तो ठंड तो आजकल होती होती है, वैसे अक्टूबर महीना शुरू हो गया है ना, तो ठंड अब नहीं होगी तो फिर कब होगी ठंड। तो इतना ही था आज की वीडियो में, तो यहीं पे करूँगी मैं अपनी इस वीडियो का एंड। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।